लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल की दो नई फ्रेंचाइज में से इस फ्रेंचाइज की शुरुआत से ही कुछ चीजें कॉमन रही हैं और इन कॉमन चीजों में इनका कप्तान भी शामिल था। पहले सीजन से ही कर्नाटक के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस फ्रेंचाइज के कप्तान थे, लेकिन अब चीजें बदलती दिख रही हैं और इस बदलाव में पेसर मयंक यादव का फायदा होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसजी ने केएल राहुल से पीछा छुड़ाने की तैयारी कर ली है। मेगा ऑक्शन से पहले ये टीम राहुल को रिलीज कर देगी। बीसीसीआई ने 31 अक्टूबर से पहले फ्रेंचाइज से रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट मांगी है और इससे पहले ही तय हो गया है कि राहुल को लखनऊ वाले रिलीज कर देंगे। दावा किया जा रहा है कि भले ही राहुल लगातार रन बना रहे हों, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल हैं। फ्रेंचाइज से खुश नहीं है। स्टार्ट्स देखें तो 2018 के बाद से राहुल का स्ट्राइक रेट लगातार खराब ही हुआ है। वो एक बार भी 140 या इससे बेहतर स्ट्राइक रेट से स्कोर नहीं कर पाए हैं। वैसे राहुल का ओवरऑल करियर देखें तो भी ये चीज़ स्पष्ट दिखती है। 2013 में डेब्यू करने वाले राहुल सिर्फ दो बार साल 2016 और 2018 में ही 140 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से स्कोर कर पाए हैं और उनकी बैटिंग की इस कमी की खूब आलोचना होती है और इसे ही देखते हुए एलएसजी मैनेजमेंट ने राहुल को रिटेन ना करने का फैसला किया है। मेंटोर जहीर खान और कोच जस्टिन लिंगर समेत एलएसजी मैनेजमेंट ने उनके स्टार्ट्स एनालाइज किए और पाया कि जिन भी मैचेस में केएल राहुल ने लंबी बैटिंग की और रन बनाए, तकरीबन उन सारे मैच में एलएसजी को हार मिली। इससे पता चलता है कि उनका स्ट्राइक रेट गेम के मोमेंटम से मैच नहीं कर पाता। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बाद स्कोर्स लगातार बढ़ रहे हैं। आप बैटिंग ऑर्डर के टॉप पर इतना टाइम लेने वाला बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि ये फ्रेंचाइज मेगा ऑक्शन से पहले निकलस पूरन, रवि बिश्नोई और मयंक यादव को रिटेन करने वाली है। साथ ही ये लोग आयुष बडोनी और मोहसिन खान को अनकैप प्लेयर के रूप में रिटेन करेंगे। बिश्नोई भी फ्रेंचाइज की शुरुआत से ही साथ है, जबकि मयंक बीते सीजन तक एलएसजी से साल के 20 लाख कमाते थे, लेकिन अब अगर वो रिटेन होंगे तो ये धनराशि कई गुना बढ़ने वाली है। नियमों के मुताबिक इस बार अगर कोई फ्रेंचाइज प्लेयर्स को रिटेन करेगी तो पहले रिटेंशन को 18 करोड़, दूसरे को 14 करोड़ और तीसरे को 11 करोड़ देने होंगे। यानी मयंक को इस बार कम से कम 11 करोड़ तो मिलने ही हैं। अगर वो टीम के दूसरे रिटेंशन हुए तो ये रकम 14 करोड़ भी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।